ऐसा कहा जाता है कि ये जो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, परम तत्व है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, ये सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त होने के बावजूद ये आम आदमी की नजर में क्यों नहीं आता? ऐसा ये भी मानना है कि ये जो परम तत्व है, ये आनंद और परम आनंद से भरपूर है। इस परम तत्व में पूर्ण संभावना होती है कि वो आम आदमी को आनंद से अप्लावित कर। तो ये संसार जो कि परम तत्व से भरपूर है, अप्लावित है और आनंद देने की संभावना से परिपूर्ण है, मानव के लिए संताप देने का कारण कैसे बन जाता है? किस कारण से इस आनंदमयी सृष्टि में रहते हुए भी मानव दुखी रहता है और परम आनंद के प्रति कभी भी सचेत नहीं रहता? इसी तथ्य पर मैंने ये कविता बनाई है, क्यों शत अंतस दिश्य रहा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्यों सत अंतस दृश्य नहीं, अंतस मतलब आत्मन, क्यों सत अंतस दृश्य नहीं, क्यों भव उत्पीरक दृश्यमयी, क्यों सत अंतस दृश्य नहीं, ये जो सत्य है वो आत्मा को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्यों भव उत्पीरक दृश्यमयी, ये जो भव है संसार, उत्पीरक मतलब कष्ट देने वाला, ऋष्य दुखी करने वाला, मही संसार, तो क्यों शत अंतस दृश्य नहीं, क्यों भव उत्पीरक ऋष्य मही, ये प्रश्न उठाता है कवि, क्यों शत अंतस दृश्य नहीं, ये जो सत्य है या ब्राह्मण है या भगवान है वो एक नर की चेतना को दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों शत अंतस दृश्य नहीं, क्यों भव उत्पीरक ऋष्य मही। अब इसका उत्तर दे रहा है कवि, कारण है जो भी सृष्टि में, इसका कारण क्या है? कारण है जो भी सृष्टि में, जल थल अग्नि या वृष्टि में, जो है दृष्टि में दृश्यमयी, जो है दृष्टि में दृश्यमयी, ना वो सततम सा दृश्य कहीं। मतलब इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सत्य की तरह है नहीं, वो ब्राह्मण की तरह है नहीं। जो और ये जो ब्राह्मण है ये किस तरह से है? जो मीन रही है सागर में, जो मिट्टी होती गागर में, जो अग्नि में है ताप फला, जो वायु में आकाश चला, जो कस्तूरी ले निज तन में, ढूंढे मृग इत उत उत वन में, जो कस्तूरी ले निज तन में, मृग ढूंढे मृग इत उत घन वन में। तो ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? जिस तरह से मछली सागर में रहती है, जिस तरह से अग्नि में ताप रहता है, और मछली को सागर का एहसास नहीं, ताप को अग्नि का एहसास नहीं, जो कस्तूरी है वो मृग के शरीर में होती है लेकिन मृग चारों तरफ ढूंढता है। तो जो नर की चेतना है, उस नर की चेतना में ही ईश्वर विराजमान है और नर चारों तरफ बाहर ढूंढता है। तो इसी कारण से सत्य है दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों सत अंतस दृश्य नहीं, क्यों भव उत्पीरक ऋष्य मही, कारण जो भी है सृष्टि में, जल थल अग्नि या वृष्टि में, जो है दृष्टि में दृश्य मही, जो है दृष्टि में दृश्य मही, ना वो सतसम सा दृश्य कहे। जो मीन रही है सागर में, जो मिट्टी होती गागर में, जो अग्नि में है ताप फला, जो वायु में आकाश चला, जो कस्तूरी ले निज तन में, ढूंढे मृग इतुत घन वन में। क्या ऐसा भी है कुछ जग में, क्या ऐसा भी है कुछ जग में, सत से विचलित हो जो जग में, सत में ही सृष्टि दृश्य रही, सत से कुछ भी अस्पृश्य नहीं, निर्भाति लब्ध रहा तन को, निर्भाति लब्ध रहा तन को, पर ना उपलब्ध रहा मन को, निर्भाति लब्ध रहा तन को, पर ना उपलब्ध रहा मन को, सतगुप्त कहां अनुदर्शन। ये जो सत्य है ये कभी भी गुप्त नहीं रहा। सतगुप्त कहां अनुदर्शन को, नरसुप्त किंतु विमर्शन को। लेकिन मानो क्या है, मानो हमेशा विचार में,
डिस्कशन में बिजी रहता है। सदगुप्त कहां अनुदर्शन को, नरसुप्त किंतु विमर्शन को, मानव ये जिसमें व्यस्त रहा, कभी तुष्ट रुष्ट कभी तस्त रहा, माया साया मृग तृष्णा थी। सत तो हमेशा से ओपन है, लेकिन जो आदमी है वो मृग तृष्णा का शिकार है। इसी कारण से, और वो मृग तृष्णा क्या है, इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती। जिस तरह से मरुस्थल में पानी दिखाई पड़ता है और यात्री उसके पीछे भागता है लेकिन पानी होता नहीं, वैसे ही जो एक मानव है इस संसार में अनगिनत इच्छाएं रखता है और इनका उन इच्छाओं के पीछे भागता है आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद मिलता नहीं, तो इसी कारण से आदमी दुखी रहता है। सतगुप्त कहां अनुदर्शन को, नरसुप्त किंतु विमर्शन को, मानव ये जिसमें व्यस्त रहा, कभी तुष्ट रुष्ट कभी तस्त रहा, माया साया मृग तृष्णा थी, नर को इच्छित भी तृष्णा थी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम उस माया को कैसे पकड़े, जो है नहीं उसको पकड़ने की चेष्टा करता है, वो कैसे मिले। किस भांति माया को जकड़े, छाया को हाथों से पकड़े, जो पार अवस्थित इच्छा के, वरने को कैसी दीक्षा ले। अभी दर्शन का कोई भान नहीं, सत उद्दर्शन का ज्ञान नहीं, मानव शासित प्रतिबिंब देख, किंतु सत सत है बिंब हे। मानव शासित प्रतिबिंब देख, पर सत 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 है बिंब ए। मानव दृष्टि में दर्पण है, मानव दृष्टि में दर्पण है, ना अभिलाषा का तर्पण है। अब आदमी की इच्छा में क्या है, मिरर को देखता है, मिरर को में प्रतिबिंब को देखता है, और सत्य क्या है, वो बिंब है, वस्तु है, लेकिन मानव कभी भी सत्य को नहीं, उसकी परछाई को देखता है, इच्छाओं का त्याग नहीं करता है। यही कवि बता रहा है, मानव शासित प्रतिबिंब देख, किंतु सत सत है बिंब एक। मानव दृष्टि में दर्पण है, ना अभिलाषा का तर्पण है, फिर सत परिदर्शन कैसे हो, फिर सत परिदर्शन कैसे हो, दर्पण में क्या अभिदर्शन हो, फिर सत परिदर्शन कैसे हो, दर्पण में क्या अभिदर्शन हो। सत आप्त रहा पर्याप्त रहा, सत आप्त रहा पर्याप्त रहा, जग व्याप्त किंतु अनवाप्त रहा। अनवाप्त मतलब जिसको आप प्राप्त न कर सके, ये सत है, ये हर जगह है, फिर भी मानव इसी कारण से नहीं प्राप्त कर सकता है। सत आप्त रहा पर्याप्त रहा, जग व्याप्त किंतु अनवाप्त रहा, इस भांति सत भी मृश्य रहा, अपरिभाषित अदृश्य रहा। तो पूरी कविता फिर से रिपीट कर देता हूं, क्यों सत अंतस दृश्य नहीं, क्यों भव उत्पीरक ऋष्य मही, कारण जो भी है सृष्टि में, जल थल अग्नि या वृष्टि में, जो है दृष्टि में दृश्य मही, ना वो सत समसा दृश्य कहीं, जो मीन रही है सागर में, जो मिट्टी होती गागर में, जो अग्नि में है ताप फला, जो वायु में आकाश चला, जो कस्तूरी ले निज तन में, ढूंढे मृग इत उद्घन वन में, क्या ऐसा भी है कुछ जग में, क्या ऐसा भी है कुछ जग में, सत से विचलित तो हो जो जग में, सत में ही सृष्टि दृश्य रही, सत में ही दृष्टि दृश्य रही, सत से कुछ भी अस्पृश्य नहीं, निर्भाती लब्ध रहा तन को, पर ना उपलब्ध रहा मन को। सतगुप्त कहां अनुदर्शन को, नरसुप्त किंतु विमर्शन को, मानव ये जिसमें व्यस्त रहा, कभी तुष्ट रुष्ट कभी तस्त रहा, माया साया मृग तृष्णा थी, नर को इच्छित वी तृष्णा थी। किस भांति माया को जकड़े, छाया को हाथों से पकड़े, जो पार अवस्थित इच्छा के, वरने को कैसी दीक्षा ले। अभी दर्शन का कोई ध्यान नहीं, अभी दर्शन का कोई भान नहीं, सत उद्दर्शन का ज्ञान नहीं, मानव शासित प्रतिबिंब देख, किंतु सत सत है बिंब ए, किंतु सत सत है बिंब ए। मानव दृष्टि में दर्पण है, न अभिलाषा का तर्पण है, फिर सत परिदर्शन कैसे हो, दर्पण में क्या अभिदर्शन हो। सत आप्त रहा पर्याप्त रहा, जग व्याप्त किंतु अनवाप्त रहा, इस भांति सत भी मृश्य रहा, अपरिभाषित अदृश्य रहा, इस भांति सत भी मृश्य रहा, अपरिभाषित अदृश्य रहा, अपरिभाषित अदृश्य रहा। ये थी कविता मेरी कविता दोस्तों, धन्यवाद।